बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2B एक्सरसाइज जो है उसकी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है, चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम आर कंपोजिट नंबर। कहते हैं जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनमें से बताएं कि कौन से प्राइम नंबर है और कौन से कंपोजिट नंबर है। राइट पी फॉर ईच प्राइम नंबर एंड सी फॉर ईच कंपोजिट नंबर। पी आपने राइट करना है प्राइम नंबर के लिए और सी आपने राइट करना है कंपोजिट नंबर के लिए। जी लेकिन ये करवाने से पहले जो टेबल के फॉर्म में यहाँ पे है, मैं आप लोगों को जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी थोड़ा। जी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर इसकी डेफिनेशन जो है वो आ जाए आप प्राइम नंबर की डेफिनेशन के लिए पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 जो है वहाँ पे टॉपिक है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले प्राइम नंबर के लिए इसकी डेफिनेशन ये है, अ नंबर अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर्स दैट इज़ वन एंड द नंबर इट्सेल्फ। प्राइम नंबर के लिए डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक उसका खुद का अपना ही नंबर। मतलब ये वो नंबर है जो सिर्फ वन के साथ और अपने नंबर के साथ ही डिवाइड होता है, इसके अलावा वो किसी और नंबर के साथ नहीं होता, ना ही उसके कोई और फैक्टर होते हैं। जी अब ये थी प्राइम नंबर की डेफिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कह सकते हैं यहाँ से कि प्राइम नंबर जो है वो आ जाते हैं कि 2 जो है वो भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट देखें इसका कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, वो आ जाए आप पेज नंबर 26 में। पेज नंबर 26 में से मैं आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बताऊँगी। कंपोजिट नंबर है क्या? कंपोजिट जो कंपोजिट मीन्स मेड अप ऑफ सेवरल आर मोर डिफरेंट पार्ट्स। कहते कंपोजिट जो है ना, ये इसका मतलब है कि जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, बहुत ज़्यादा हिस्से होना किसी नंबर के। तो इसकी डेफिनेशन जो है आप यहाँ से कर सकते हैं कि आर अदर नंबर्स हैव 3 आर मोर डिफरेंट फैक्टर। कहते वो तमाम नंबर्स दूसरे नंबर जो 3 या 3 से ज़्यादा जो है फैक्टर रखते हों, मुख्तलिफ फैक्टर रखते हों, उन्हें हम कंपोजिट नंबर का नाम देंगे। दोबारा देखें, आर अदर नंबर्स तमाम दूसरे नंबर हैव 3 आर मोर डिफरेंट फैक्टर जो रखते हैं 3 या उससे ज़्यादा डिफरेंट फैक्टर, मुख्तलिफ फैक्टर जो है उन्हें हम कंपोजिट नंबर का नाम देते हैं। जी अब देखिए इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 9, 12, 15। 9 जो है ये जो है वो डिफरेंट टेबल के साथ डिवाइड हो कर लेते हैं हम इसे, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं 12 के भी और 15 के भी। जी अब इसके बाद आप आ जाएं, अब प्राइम और कंपोजिट नंबर की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है, ये आपने जो है वो घर में याद भी करनी है, अच्छे से याद करके अपने पेरेंट्स को सुनानी है। जी अब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि क्वेश्चन में जो है वो ये है, इसमें आपने जस्ट बताना है, सॉल्यूशन वाला कोई काम नहीं है। जी अब उसी डेफिनेशन जो मैंने आपको पहले बताई है उसे ज़रा ज़हन में रखते हुए मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगी, आप ज़रा सुनिएगा गौर से कि 15 जो है उसमें जो है ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। जी बिल्कुल, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 15 जो है ये डिफरेंट जो है वो टेबल्स के साथ हम इसे डिवाइड कर सकते हैं और ये इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे सी। अब आए बी की तरफ, बी है 31। 31 जो है बच्चे ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? तो ये प्राइम नंबर है क्योंकि 31 जो है ये सिर्फ दो ही फैक्टर रखेगा, एक 1 और एक खुद ये 35, इसके लिए हम पी राइट करेंगे। इसी तरह 24 जो है ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके, ये डिफरेंट टेबल्स के साथ हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, नंबर्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। 21 जो है ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसके भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 32 जो है ये भी कंपोजिट नंबर है, इसके भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। उसके बाद है 25,
25 जो है ये भी कंपोजिट जो है हमारे पास नंबर है, इसके भी फैक्टर जो है ये 2-3 से ज़्यादा हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी सी राइट करेंगे। अब आए 29 जो है, जी जो है ऑप्शन है यहाँ से, वो 29 है। 29 जो है ये प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, या तो ये 1 के साथ या 29 के साथ डिवाइड होगा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। और 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं। उसके बाद जो है 37 ये भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 एंड 37। 17 भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड 17। जी मैंने ए से लेके जी तक मैंने यहाँ से आपको बता दिया है, बाकी के से लेके टी तक जो है ये आपने जो है वो खुद सॉल्व घर में जो है बैठ के करना है, अपने पेरेंट्स के साथ जो करना है इसको, इनको जो बाकी रह गया है। तो आज के लिए इतना ही। तो डायरी जो है वो आपकी, वो ज़रा चेक कर सुन लें, और मैं लिख भी रही हूँ यहाँ से। डायरी आपने जो इसकी तैयार करनी है वो इस तरह से है। एक तो आपने जो डेफिनेशन 2 करवाई है वो आपने ज़रा याद करनी है अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर K2T ये आपका होमवर्क है घर में, जो घर का काम है ये आपका, और प्लस 2 डिफाइंस ये आपने जो है वो याद करनी है, लर्न। आज का काम इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।